कल्पना चावला ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का झंडा गाड़ा। उन्होंने दो बार अंतरिक्ष की यात्रा की। 1997 की उनकी पहली यात्रा बहुत ही सफल रही, इसीलिए नासा ने उन्हें दोबारा अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया और 2003 में 41 साल की कल्पना चावला ने अपने 6 साथियों सहित फिर से अंतरिक्ष की उड़ान भरी। कल्पना ने अंतरिक्ष में 15 दिन बिताए और अपने सारे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल किए। लेकिन एक फरवरी 2003 का वो दिन हर किसी के जहन में आज भी ताजा है। ये वही दिन था जब भारत में जन्मी कल्पना चावला अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही थी। हर किसी की निगाह उस अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई थी जो कल्पना को लेकर धरती पर पहुंचने वाला था। लेकिन 16वें दिन जब ये सातों अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौट रहे थे तो अचानक तकनीकी खराबियों के कारण अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में सातों अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। ये खबर फैलते ही पूरी दुनिया शोक में डूब गई। उस वक्त कल्पना चावला की वो बात लोगों के दिलों में घर कर गई जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूं और इसी के लिए मरूंगी।